तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले बजाज के बारे में। बजाज ने अपने जो भी चार पांच कंपनियां हैं उन सभी में डिविडेंड डिक्लेयर किया है दोस्तों, और रिकॉर्ड डेट भी डिक्लेयर की है, और 189 प्रति शेयर डिविडेंड देगी बजाज की चार कंपनियां। यह है रिकॉर्ड डेट दोस्तों, और रिकॉर्ड भी डेट भी है, और ये 189 पर शेयर डिविडेंड देने वाले हैं दोस्तों बजाज की चार कंपनियां। अब देख सकते हो बड़ा पैसा छापने का मौका है, मगर ये मौका किसके पास है दोस्तों? जिसके अकाउंट में ऑलरेडी शेयर्स है। आप डिविडेंड के चक्कर में शेयर मत खरीदने जाना, अगर शेयर खरीदोगे तो भी अभी लॉस में नहीं हुआ दोस्तों आप, क्योंकि अभी अच्छा खासा मार्केट करेक्ट हो चुका है। इस वजह से आप आगे जाके शेयर में भी प्रॉफिट कमा सकते हो, और ये डिविडेंड भी ले सकते हो। तो आपके पास अच्छा मौका है इस शेयर में इन्वेस्ट करने का, और लॉन्ग टर्म के लिए इसे शेयर में इन्वेस्टेड रहिए। ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकते हो दोस्तों। शेयर बाजार में ज़्यादातर लोग बड़ा पैसा कमाने के लिए ही आते हैं दोस्तों, जो कि शेयर बाजार में सही समय में लंबे समय के लिए सही कंपनी में निवेश करने पर भी बन सकता है। लेकिन जब तक आप उस शेयर को नहीं बेचते, तब तक चाहे आपका शेयर कितना भी बढ़ चुका हो, उसे मुनाफा नहीं कमा जा सकता, क्योंकि बिना शेयर बेचे तो पैसा आपको मिलेगा ही नहीं। तो इस वजह से शेयर मार्केट में बहुत पेशेंस से काम करना पड़ता है दोस्तों, और पेशेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो शेयर मार्केट में काम आती है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है। कोविड में तो इससे ज़्यादा हो चुका था, तब जिसने पेशेंस रख के काम लिया है उसने अच्छे 52 भी खाए भी देखे अपने शेयर के, और अभी फिर से गिर रहा है मार्केट। तो अभी भी पेशेंस रखना, और इस पेशेंस में अपने पोर्टफोलियो में शेयर ऐड करते जाना है दोस्तों, तब जाके आप वेल्थ बना पाओगे। अगर अदरवाइज आप वेल्थ कैसे बनाओगे? आप बस ट्रेडर बन के रह जाओगे, मार्केट नीचे आता है बेच दिया, मार्केट ऊपर जाता है थोड़ा खरीद लिया, ऐसे करते रहोगे तो आप कभी भी इन्वेस्टर नहीं बनोगे और वेल्थ भी नहीं क्रिएट कर पाओगे। और अभी बजाज की चार कंपनी है दोस्तों, चार कंपनियों ने ग्रुप बजाज ग्रुप की चारों कंपनियों ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया दोस्तों, और उसकी रिकॉर्ड डेट भी डिक्लेयर कर दिया। और ये चारों कंपनियों का डिविडेंड होता है दोस्तों 189 रुपीज पर शेयर। जिसके पास भी ये चार शेयर है उसको मिलेगा 189 रुपीज पर शेयर दोस्तों, और अकेले अकेले किसी कंपनी को मिल नहीं रहा है 189 रुपीज डिविडेंड। तो अभी हम आते हैं आगे डिविडेंड के बारे में जानते हैं। आप देख सकते हो 189 प्रति शेयर डिविडेंड देगी बजाज की ये चार कंपनियां। चारों कंपनियां मिला के 189 रुपीज डिविडेंड हो रहा है दोस्तों, बजाज ऑटो, बजाज फिंसर, बजाज होल्डिंग एंड बजाज फाइनेंस, ये चारों कंपनियां, इन चारों कंपनियों का मिला के 189 रुपीज डिविडेंड हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ अभी कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देने वाली। पहला शेयर है दोस्तों बजाज ऑटो। बजाज ऑटो बजाज ग्रुप की पहली कंपनी है दोस्तों, और ये कंपनी अपने निवेशकों को करीब 140 रुपीज का डिविडेंड दे रही है दोस्तों। पर शेयर 140 रुपीज का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस कर दिया है। अगर ये किसी के पास भी बजाज ऑटो के 10 शेयर होंगे तो उसको 1400 रुपीज डिविडेंड मिल जाएगा दोस्तों। तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी डिविडेंड से भी, और ये डिविडेंड निवेशकों को उनकी रिकॉर्ड डेट है उनकी 1 जुलाई। 1 जुलाई तक जिसके भी अकाउंट में बजाज ऑटो शेयर होगा उसको ये डिविडेंड मिल जाएगा दोस्तों 140 रुपीज। अगर आपके शेयर डीमैट अकाउंट में 1 शेयर है तो आपको 140 रुपीज डिविडेंड मिल जाएगा। अगर 10 शेयर है तो 1400 रुपीज मिल जाएगा, और 100 शेयर है तो 14000 तक मिल जाएगा आपको डिविडेंड। तो ये अच्छी कमाई हो सकती है डिविडेंड की, मगर डिविडेंड के चक्कर में आप शेयर मत खरीदने जाना, क्योंकि ये डिविडेंड के चक्कर में आप शेयर खरीदोगे थोड़ा ऊपर रहेगा फिर नीचे आएगा, ऐसे चलता रहेगा। अगर हाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ऐसे डिविडेंड ये कंपनी हर साल देगी दोस्तों, और हर साल उसी प्राइस पे नहीं रहेगा शेयर, तो आप शेयर भी खरीद सकते हो, डिविडेंड भी मिलेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दीजिए। ये सभी बजाज ग्रुप की सभी कंपनियाँ अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं दोस्तों, और ये लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों सभी। तो ये शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकते हैं। बजाज ऑटो की शेयर प्राइस पे दोस्तों अभी देख सकते हो बजाज ऑटो का शेयर चल रहा है 3647 रुपीज पे, और आप देख सकते हो पिछले 6 महीने में ये शेयर 16% अप ही है दोस्तों। मार्केट इतना गिर रहा है और ये शेयर ऊपर जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो 16% के रिटर्न दे दिए दोस्तों इसने पिछले 6 महीने में। और शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए दोस्तों 1 लाख करोड़ के ऊपर है दोस्तों। तो ये लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, और ऑटो सेक्टर की ये 2 व्हीलर में नंबर 1 कंपनी है दोस्तों। 1 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों इस कंपनी का, और मैक्सिमम देखिए अभी तक इस शेयर ने 1258% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए इसने। और इसका 52 वीक लो है दोस्तों 3027 रुपीज, और 52 वीक हाई है 4259 रुपीज। तो अच्छी खासी करेक्शन पे अवेलेबल है दोस्तों ये शेयर, इसने 4000 को भी क्रॉस कर दिया था और वहां से ये करेक्शन हो चुका है। इस करेक्शन का फायदा उठाइए और इसमें इन्वेस्ट जरूर कीजिए। आप डिविडेंड के चक्कर में इसमें ये शेयर खरीदने को मत जाइए, आप इन्वेस्टमेंट के लिए इस शेयर को खरीद सकते हो। ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दीजिए। कंपनी है दोस्तों बजाज फिंसर। बजाज फिंसर एक बजाज ग्रुप की दमदार कंपनी है, जो इसने भी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है दोस्तों, और ये अपने शेयर होल्डर को 4 रुपए का डिविडेंड दे रही है दोस्तों ये कंपनी बस। और बजाज फिंसर का शेयर प्राइस देखोगे तो आप चकरा जाओगे, इतना शेयर प्राइस है बजाज फिंसर का। और इस जिसके पास भी इसके 10 शेयर होगे बस उसको 40 रुपए डिविडेंड मिलेगा, और अभी करीब तकरीबन 11000 रुपीज पे चल रहा है बजाज फिंसर का शेयर। और देख सकते हो इसकी रिकॉर्ड डेट भी 1 जुलाई है दोस्तों, और 1 जुलाई को जिसके भी डीमैट अकाउंट में ये शेयर होगा उसको ये डिविडेंड मिलेगा।
का शेयर प्राइस देखिए दोस्तों, अभी चल रहा है 11,731 रुपीज़ पे, और पिछले 1 महीने में देखिए शेयर 7% डाउन चल रहा है, और पिछले 6 महीने में देखिए शेयर 26% गिर चुका है दोस्तों, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 1.87 लाख करोड़, ये 2 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है दोस्तों, और इसमें बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है दोस्तों, 50% बोलोगे तो भी चलेगा, आप देख सकते हो ये मैक्सिमम इसने अभी तक 2008 में मार्केट में लिस्ट हुई है कंपनी, और तब से इसने अभी 1,755% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए दोस्तों, और इसका 52 वीक लो देखिए 11,265 रुपीज़, और 52 वीक हाई है दोस्तों 19,325 रुपीज़, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा क्रैश है दोस्तों, 19,000 से ये डायरेक्ट 11,000 तक आ चुका है, 8,000 रुपीज़ ये शेयर गिर चुका है दोस्तों, तो इस शेयर में आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये शेयर को डिविडेंड के चक्कर में मत खरीदे, ये इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है दोस्तों, ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकते हैं। ओके दोस्तों, बजाज होल्डिंग एक होल्डिंग ग्रुप होल्डिंग कंपनी है दोस्तों, इस ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है दोस्तों ये, और इस कंपनी में निवेशकों को दिया है 25 रुपीज़ का डिविडेंड, और जिसके पास भी 100 शेयर होंगे उसको 2,500 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा दोस्तों, और ये होल्डिंग कंपनी है, तो इस कंपनी में सभी के शेयर है दोस्तों, बजाज ऑटो के, बजाज फाइनेंस के, बजाज फिंजर के, सभी के शेयर होल्ड करके रखा है, अभी इन कंपनियों का जो डिविडेंड मिल रहा है उसमें से ही थोड़ा डिविडेंड ये अपने शेयर होल्डर को दे रही है दोस्तों बजाज होल्डिंग। और नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस में भी आप देख सकते हो ये भी शेयर अपने शेयर होल्डर को 20 रुपीज़ डिविडेंड डिक्लेयर कर चुका है दोस्तों, और जिसके पास भी 10 शेयर होंगे उसको 200 रुपीज़ मिलेगा, और 100 शेयर होंगे तो 2,000 रुपीज़ मिल जाएगा उसको डिविडेंड, तो ये सभी कंपनियां इन्वेस्टमेंट पर्पज़ वाली कंपनी है दोस्तों, और ये सभी का मिला के आप देख सकते हो, ये बजाज ग्रुप की 4 कंपनियां, कुल मिलाकर 4 कंपनियां है दोस्तों इनकी, और भी है मार्केट में, इन चारों ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है दोस्तों, तो आप देख सकते हो 140 रुपीज़ बजाज ऑटो का, 4 रुपीज़ बजाज फिंजरों का, 25 रुपीज़ बजाज होल्डिंग का, और 20 रुपीज़ बजाज फाइनेंस का, इन सभी का मिला के 189 रुपीज़ होता है, और जिसके पास भी ये 4 शेयर एक एक क्वांटिटी है उसको 189 रुपीज़ डिविडेंड मिल जाएगा दोस्तों, तो ये बात जरूर याद रखना, और इस शेयर में सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, चारों शेयर अच्छे हैं दोस्तों, बजाज फाइनेंस सबसे बढ़िया शेयर है दोस्तों, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी हम बजाज होल्डिंग और बजाज फाइनेंस के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों, के बारे में देखते हैं दोस्तों, बजाज होल्डिंग का शेयर प्राइस है दोस्तों 4,590 रुपीज़, और पिछले 6 महीने में ये शेयर भी 7% गिर चुका है दोस्तों, और पिछले 6 महीने में 11% गिर चुका है, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 51,000 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों, और देख सकते हो मैक्सिमम इसने अभी तक 2,619% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए दोस्तों, और इसका 52 वीक लो देखिए 3,451 रुपीज़, और 52 वीक हाई 6,598 रुपीज़, तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है दोस्तों, 2,000 की गिरावट है इस शेयर में, तो ये शेयर भी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकते हैं दोस्तों। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस में देख सकते हो आप 1 मंथ में 4% की गिरावट है, और अभी ये शेयर चल रहा है 5,544 रुपीज़ पे, और 6 महीने में देखिए इसमें भी 18% की गिरावट है दोस्तों, और ये शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए दोस्तों 3,36,000 करोड़, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, लार्ज कैप कंपनी है, और NBFC की नंबर 1 कंपनी है दोस्तों, NBFC सेक्टर में नॉन बैंकिंग फाइनेंस में ये कंपनी नंबर 1 पे काम करती है दोस्तों, और हर साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट पेश करती है, तो ये कंपनी आपको अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकती है लॉन्ग टर्म में, इस करेक्शन का फायदा उठाइए, अब डिविडेंड के चक्कर में मत जाइए, इस करेक्शन का फायदा उठाइए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दीजिए, और मैक्सिमम देखिए इस शेयर ने अभी तक 96,000% के रिटर्न बना के दिए दोस्तों अपने शेयर होल्डर को, 1,00,000% से भी ज्यादा थे दोस्तों, इस गिरावट से आपको कम दिख रहे, और 52 वीक लो देखिए इसका 5,220 रुपीज़, 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और इसका 52 वीक हाई 8,050 रुपीज़, तो ये 52 वीक हाई को ब्रेक करके आगे जाएगा दोस्तों ये शेयर, तो इस वजह से आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए इसे शेयर में इन्वेस्टेड रहिए, ये शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकता है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।